हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं मसालेदार मम्मीज किचन। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं व्हिपिंग क्रीम पाउडर से बनाएंगे। जो व्हिपिंग पाउडर आता है उसी से हम क्रीम तैयार करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन में हम ले लेते हैं आइस। आइस को ट्रांसफ़र कर लेंगे उस बर्तन में। और दूसरी चीज़, जिस बाउल में हमको बना है क्रीम को, उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था आधा घंटे के लिए। अभी मैंने निकाल लिया है इसको, अब डालेंगे आइस को, ऊपर रखेंगे। ये हमारी व्हिपिंग क्रीम यानी पाउडर है, व्हिपिंग पाउडर। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस बाउल में। ये पाउडर 100 ग्राम है। बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं व्हिपिंग पाउडर। अगर आपको इजली लिक्विड वाला मिल जाए क्रीम, तो आप वही ले लें, नहीं तो पाउडर भी रख सकते हैं। पाउडर से दो फायदे होते हैं, आप फटाफट से इसको बना भी सकते हैं, अच्छे से बन भी जाती है। दूसरी चीज़ ये ख़राब भी नहीं होता, बाहर रख दो कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अगर आपको चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। चलिए इसको, अभी मैंने जो दूध लिया है वो भी एकदम चिल्ड था, दूध मैंने 7 से 8 चम्मच रखा है। और इसको हम अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। साथ में लग जाता है टोटल टाइम, इसमें बहुत ही अच्छी क्रीम बन के तैयार हो जाती है। आप पेस्ट्री बनाओ, केक बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत ही पुडिंग वगैरह बना लो, मतलब इतनी बढ़िया क्रीम बनती है, आगे आप देख लेंगे वीडियो में खुद ही। अभी मुझे कुछ कम लग रहा था पानी इसमें, मैंने पानी डाला है, पानी को मैंने ठंडा रखा है, एकदम से चिल्ड रखा है, काफ़ी थिक लग रहा था मुझे। बस 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है अभी पानी। इसी तरह से हम इसको व्हिप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने इसको व्हिप कर लिया अच्छी तरह से। अब इसको हम कुछ देर के लिए रख देंगे फ्रिज में, 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसको हम, चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आप, मैं छोटा सा पेस्ट्री एक बनाती हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैंने लिया है बाउल, बाउल में डाल दिया है पानी और 3 से 4 चम्मच इसमें डाल दिए हैं पिसी हुई चीनी, इसका एक घोल बना लिए हैं। चलिए अब हम लेते हैं ब्रेड, ब्रेड के किनारे को काट लेंगे अच्छे से। अब इसी तरह से हम इसमें शुगर पानी जो मैंने तैयार किया है, इसको इस तरह से हम अप्लाई कर लेंगे ताकि ब्रेड हमारा मीठा हो जाए, क्योंकि मीठा नहीं होता ब्रेड। 15 मिनट हो गया है, अब इसको हम एक बार फिर से बीट कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसमें अप्लाई कर लेंगे क्रीम को। क्रीम आप देख सकते हैं, क्रीम बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। आप चाहे पाउडर से बनाएं, चाहे आप जो लिक्विड वाली क्रीम आती है उसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही प्रोसेस में आते हैं, रिजल्ट दोनों का ही अच्छा होता है। इस तरह से हम एक के ऊपर एक लगाते हुए पूरा अप्लाई कर लेंगे क्रीम को। बस मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे रही हूँ इस क्रीम का, किस तरह से यह पाउडर से इतना बढ़िया रिजल्ट आ जाता है और इजली मिल भी जाता है, क्योंकि लिक्विड वाली जो क्रीम आती है वो मतलब जल्दी मिलती नहीं आसानी से, पाउडर वाला मिल जाता है। इसी तरह से हम अप्लाई कर लेते हैं सारे में। तो गाइज, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन हमारे आप तक मिलते रहें, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बातों ही बातों में हमने एक पेस्ट्री भी बना ली, क्रीम भी तैयार कर ली है, अच्छे से हम इसको कवर कर लेते हैं क्रीम से।
और डेकोरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती, पाइपिंग बैग में आप डाल के बढ़िया से डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने पेस्ट्री को, अपने क्रीम मतलब केक को भी। मैंने अच्छे से इसको कवर कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। इसको हम कट कर लेते हैं। आराम से आप इसे कट कर लें, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पेस्ट्री बनके तैयार हो गई है। अब थोड़ी सी क्रीम हमने ली है, अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है। इस तरह से हम छोटे छोटे फ्लावर्स बना देते हैं, इसमें थोड़ा डेकोरेट भी हो जाएगा और अच्छा भी बहुत लगने लगेगा ये। तो आपके पास और सारे कलर हों तो कलर भी डाल सकते हो, उससे बहुत बढ़िया फूड कलर से अच्छे से मतलब इसका लुक भी आ जाता है। तो चलिए हमारी पेस्ट्री बनकर तैयार है, व्हिपिंग क्रीम भी मैंने तैयार कर ली है। और आज की वीडियो हमारी कैसी बनी थी और आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप हमें फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ प्लेट में। मैंने इसे भी ट्रांसफ़र कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा गाइज़।